इस टाइम मैं हूँ शिमला में और कैसे यहाँ पर तक पहुँचा, देखते रहिए ये वीडियो। अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़ में और हम मेरे को मिलेगा मेरा दोस्त माही संजय, और तो हम डुओ चलेंगे शिमला की तरफ, सिर्फ दो ही होंगे, तो रास्ते का मजा लीजिए और मिलते हैं रास्ते में या शिमला। निकल पड़े हैं चंडीगढ़ से अपना शिमला की तरफ। हिमाचल प्रदेश का गेट पार करते ही दो ही चीज मन में आती हैं, कुल्लू मनाली और शिमला, तो शिमला हम जा ही रहे हैं। लगने लगी भूख, और आप कुछ खाएंगे? हल्का फुल्का, हल्का फुल्का के नाम से तो मैगी और छोले कुलचे ही आएंगे, तो आप खाते हैं छोले कुलचे। शिमला राजधानी थी पहले अंग्रेजों के टाइम में समर की, आज़ादी के बाद पंजाब की भी राजधानी शिमला ही रही थी, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और अब है हिमाचल की राजधानी। असली मज़ा सफ़र का है, ना कि मंजिल का। कुछ लोग जाते हैं सिर्फ होटल में बैठ जाते हैं, वो तो घर में भी बैठे हो आप, ये सफ़र का आनंद लीजिए, मज़ा इन्हीं का है। कुछ तो रास्ता है इन वादियों से हमें, वरना यूं ही सुकून नहीं मिलता पहाड़ों में आके हमें। शिमला इंडिया मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट हिल स्टेशन, यहाँ हर कोई जाना चाहता है या आ चुका होगा। शिमला माइंड में आते ही ठंडी हवा के झोंके और ये नज़ारे दोनों एक साथ ही क्लिक करते हैं। ड्रोन फुटेज के साथ ये वीडियो हो जाती है सिनेमैटिक। अभी आने वाले वीडियो और अच्छे होते जाएंगे, लेकिन इन वीडियो में भी आपको कुछ कमी लगे तो हमें बताना ज़रूर, हम पूरी कोशिश करेंगे आगे वो कमी हो ना पाए। शिमला दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर है, रोड की कंडीशन कुछ जगह ही ख़राब है, जहाँ कुछ काम चल रहा है ना बिल्कुल स्मूथ है, जो कि उल्टा है मनाली का। मनाली जब हम गए थे पूरा रास्ता ही ख़राब था, और यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये सफ़र चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ था, चंडीगढ़ में तो सिर्फ 3 घंटे का रास्ता है शिमला का, और एक चीज़ से बिल्कुल ही सावधान रहना, क्योंकि वहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है शिमला में, तो अपनी पार्किंग बिल्कुल ही सेफ जगह करनी है। जो सरकारी पार्किंग है उसका एक दिन का किराया 200 रुपये है, तो वहीं खड़ी करेंगे हम भी अपनी गाड़ी को। शिमला आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है,
लेकिन आपको स्नो देखनी है तो दिसंबर के लास्ट में ही जाना पड़ेगा आपको। और जून जुलाई के मौसम में जब पूरी दिल्ली गर्मी से तप रही होगी ना, तो यहाँ पर ठंड होगी, उस टाइम पे भी आप आ सकते हो। शिमला आने का एक तरीका और भी है, एक जरिया और भी है, कालका शिमला ट्रेन, जो पहाड़ों, सुरंगों और अच्छे अच्छे नज़ारों से गुजरती है। और ये टाइम एक बार तो देना ही चाहिए ट्रेन को, क्योंकि इतनी सुंदर है, उसको विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। कालका से स्टार्ट होकर ट्रेन बिल्कुल माल रोड के पास स्टेशन है, जो आपको टैक्स लेने या कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल माल रोड के पास ही उसका स्टेशन है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए ये भी, हो सका तो अगले कुछ वीडियो के बाद हम भी ये ट्राई करेंगे। अभी रुके हम चाय के ब्रेक के लिए, तो साथ में पकोड़े वकोड़े कुछ होंगे। पर एक बात और खास है, शिमला जाते हुए एक से बढ़कर एक व्यू है, बहुत बढ़िया है यार। देखो यहाँ पे ये सारा, देखो यहाँ का व्यू देखो, बहुत बढ़िया है। कैसा होटल, बिल्कुल बालकनी मस्त कती। एक ऐसा दिल कर रहा है तंबू गाड़ के यही रहना मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हिल्स ऑफ क्वीन, ये शिमला का एक दूसरा नाम है, जो कि आपको पता ही चल गया होगा क्यों नाम है ये। और सब ज़्यादातर जा चुके होंगे एक बार तो जीवन में शिमला, ये इतनी फेवरेट जगह है। गाड़ी हमने पार्किंग में लगाकर तो ऊपर जाने, माल रोड की तरफ जाने के लिए एक रास्ता ये भी है कि हम लिफ्ट से जाएं। और जबकि कोरोना काल चला हुआ है, देखिए कितनी भीड़ है। और यहाँ 10 रुपये की टिकट है पर पर्सन, जबकि फ्री होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी बीच टाइम हो गया था सनसेट का, और ये नज़ारा शिमला के सिवा कहीं और नहीं दिखेगा, कितना सुंदर है। शिमला का ये चर्च अंग्रेजों के टाइम से है और बहुत ही फेमस है। शिमला आए और यहाँ फोटो ना खिंचाएं, हो ही नहीं सकता।
शाम के बाद रात और रात के बाद ये नज़ारा शिमला का, वाह क्या बात है। अब के सीजन में कुछ निशानियां बची हुई हैं बर्फ़ की, फिर अगले सीजन में ही मिलेगी। अब बर्फ का कुछ ही दिन का साथ रह गया था बस। पहली बार आया, ठंडा मौसम तो है ही पहले की तरह, लेकिन भीड़ कोई कोरोना कुछ नहीं है यहाँ पर, सब ऐसे ही चल रहा है। जय हिंद दोस्तों। थ्रीड मूवी में एक सीन है शिमला का, तो वो मैं दिखाता हूँ। जो ये यहाँ पर है ना, ये रेस्टोरेंट यहाँ से, पर अभी कुछ खाना नहीं है, हमें शाम को देखेंगे। अभी स्नैक्स वैक्स खा दे, भूख नहीं लगी, बाद में करेंगे कुछ छोटा। रोड का सबसे बढ़िया नज़ारा ये इससे मिलता है हमें, ये व्यू है सबसे अच्छा। भाई अभी तक कुछ बर्फ़ बची हुई है यहाँ पे, पर थोड़े दिन में ये भी नहीं रहेगी, तो यही फोटो खिंचाने का लास्ट पॉइंट बचा है जहाँ हमें बर्फ दिखेगी, ठीक है। और यही ब्लैक आइस है और सारी बर्फ यही है, ठीक है। हाँ एवरेस्ट की चढ़ाई में चढ़ जा तू। ये हमने पब लिया है यहाँ पर, ये भाई अपने फ्रेंड है। तो क्या नाम भाई सर? मेरा नाम सुरेंद्र बिल्ला है। पक्का ऑफिसर हूँ यहाँ पे डब्ल्यू स्टेट शिमला में। यहाँ पे क्राफ्ट बियर है, एप्पल साइडर बहुत ही अच्छी है यहाँ की, और फूड भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, खुद बनाते हैं। ठीक है भाई, और आपसे कॉन्टेक्ट करें, आपका नाम बताइए। मेरा नाम बिल्ला है सर। ठीक है, कभी भी भूल कर सैटरडे संडे को तो आना नहीं, कोई रूम मिलेगा नहीं। हमें ये बड़ी मुश्किल से उस भाई की वजह से ही रूम मिल गया, और ये रूम 6,000 का था जो हमें 4,000 में मिला है, ये मिल गया। ये बिल्कुल माल रोड के पास में है, तो भूल गए, अगर आपको तंग होना है तो सैटरडे को आना है, नहीं तो सैटरडे संडे को कभी नहीं आना। ये रूम लिया है, पूरा अपना वुडन का बना हुआ है। कितने का सर ये? 2,000 का? 4,000 भैया। और इसके साथ में हमें बालकनी है, अभी अंधेरा हो गया तो व्यू नहीं दिखेगा, दिन में दिखाऊंगा। बढ़िया रूम है अपना। सैटरडे संडे तो था ही, और उसके बाद मंडे को था वैलेंटाइन डे, तो सारे होटल बुक थे। जैसा भी मिला हमें ये 3 या 4 गुना महंगा रूम मिला, फिर भी अच्छा ही था क्योंकि बिल्कुल माल रोड के पास था, और साथ में ये नज़ारा चर्च का सुबह का। बाइक सबसे टॉप पे है ये रूम, और बिल्कुल जा ठंड कुल्फी जम जाएगी इसका, देखो फटने वाला है पैकेट ठंड के बारे, बहुत ज़्यादा ठंड भाई। कभी टॉप पे रूम मिला ना, कोई रूम ही नहीं है यहाँ पर, मनमाने रेट है, बहुत सारे जगह घूम लिए, फिर उस भाई ने यही अपना अरेंज करवाया ये रूम, लेकिन बिल्कुल टॉप है और ठंड ज़्यादा लगेगी, तो रजाई हमने कम से कम है। ये भाई अपने मिल गए यहाँ पर, जानकार है। हाँ भाई, क्या क्या अपना है यहाँ पर फेमस? सर हमारे यहाँ पे तो चिकन फेमस है, ड्राई ग्रेवी जैसा मर्जी ले लो। तो एक एक प्लेट सब पैक कर दो भाई, आज आपका चेक करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। ड्राई करना ग्रेवी? यार करते हैं ट्राई भाई। ओके। ये बालकनी है रूम की, और अब
ब्रेकफास्ट करके अपना निकल लेंगे चंडीगढ़ की तरफ। शिमला जाना हो और माल रोड पे टाइम ना बिताएं हो ही नहीं सकता, तो काफ़ी टाइम हमने यहाँ बिताया। सुबह की चाय भी हमने यहीं पी। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है ये पूरा, ये बिल्डिंगें भी बनाई अंग्रेज़ों ने ही है, जो अब तक बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं। चाय के साथ चाय फिनिश करके चलेंगे अपना चंडीगढ़, उसके बाद का प्लान है अपना मोरनी। वो भी जगह बहुत अच्छी बताते हैं, मिलते हैं मोरनी में। पोगीमोसी ऐसे ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो इनको। ये भी दिख गई है धूप सेक रही है यहाँ पर। फिर देखी हमने ये शॉप, ये भी अंग्रेजी के टाइम से ही है और यहाँ की भाई हर एक चीज़ वो बढ़िया है, लेकिन हमें सजेस्ट किया गया कोकोनट बिस्किट, ये ट्राई करना बनता ही है। भाई जो ये बिस्कुट है ना, ऐसे बिस्कुट लाइफ में पहली बार खाए हैं बिना मैदे के हैं, और स्पेशल यहाँ के फेमस है, तो दोबारा लेने आए हम। ये है क्या पूरा? शिमला का ये सफर यहीं तक था, आगे हम मिलेंगे राजस्थान में। जी हाँ, अगला व्लॉग ना भूले, आपको एक ऐसी जगह लेके जाएंगे राजस्थान में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।